हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स में। ये फोटोशॉप का तीसरा लेक्चर है। जो लोग नए हैं वो मेरा पहले वाला दो लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो उनको बेसिक समझ में नहीं आएगा। मेरा टोटल चार सॉफ्टवेयर का लेक्चर एक साथ में चालू है। जो लोग चारों सॉफ्टवेयर एक साथ में सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। और इसके बाद भी हम लोग का और भी सॉफ्टवेयर आने वाला है। टोटल 20 सॉफ्टवेयर बताने वाले हैं, जिसमें से 12 सॉफ्टवेयर का नाम भी दे चुके हैं। अबाउट अस वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ये मैजिक टूल और ये क्रॉप टूल। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओपन में गए, एक फोटो ओपन करते हैं, ये ले लिए। इसके बाद अभी मैजिक टूल पे आ गए। ये है क्यूक सिलेक्शन टूल। ये क्या होता है, ये भी फोटो कटिंग में आता है, कटिंग करने के लिए। ये देखिए ऐसा ये सिलेक्ट होता है खुद से, पर ये उस जगह पे काम होता है जहाँ पे कोई भी एक कलर का काम, बैकग्राउंड में जो एक कलर रहता है वहाँ पे काम किया जाता है, ना कि ऐसे फ़ोटो पे। ऐसे फ़ोटो पे करने जाओगे तो आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये लेजो टूल बताया था कि यहाँ से जाके आप ऐसा कर सकते हैं, तो आपको पूरा ऐसा करना पड़ेगा छोटा छोटा पार्ट, पर उससे क्या है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ये हो गया, उसके बाद क्या करेंगे इसको। ये अभी बाहर भी सिलेक्ट है और अंदर भी सिलेक्ट है, उसके लिए हम जाएंगे सिलेक्शन में और शिफ्ट कंट्रोल आई, इसको इन्वर्ट करेंगे तब ये उल्टा हो जाएगा। उसके बाद लेयर में जाके न्यू लेयर में कंट्रोल जे, ये देखिए ये ऐसा कटा है। देखिए बैकग्राउंड निकल गया है पर उतना अच्छे से नहीं निकला है। तो हम लोग दूसरे तरीके से एक बार देखते हैं, तो हम लोग दूसरा इमेज एक बार अप्लाई करके देखते हैं। आप लोग को पता चल जाएगा कि ये सिलेक्शन टूल्स काम कहाँ पे करता है। ठीक है, तो एक इमेज ले लेते हैं, ये वाला। इसका जो बैकग्राउंड कलर है सिंगल कलर में है, तो यहाँ पे ये टूल्स काम करेगा। ये देखिए, उसके बाद वही लेजो टूल से आइए, यहाँ से ऐसा आपको छोटा छोटा पार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इससे बेहतर मैं आप लोग को बताऊंगा, जो है हमारा पेन टूल ये वाला, वो सबसे अच्छा है। तो ये देखिए आपका ये सिलेक्ट हो गया अच्छे से। अभी ये पीछे का भी सिलेक्ट है और यहाँ का भी सिलेक्ट है, जो अभी अभी मैंने बताया था कि आपको करना क्या है, इन्वर्स करना है। तो यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट आई, उसका शॉर्टकट है, इन्वर्स कर देंगे। ये देखो इतना सिलेक्ट हो गया। और लेयर में गए, यहाँ पे कंट्रोल ये है, तो ये न्यू लेयर पे कट के चला जाएगा। पहले वाला लेयर बंद कर दीजिए, ये देखो कट गया है, ये हो गया। इसको डिलीट करते हैं। अब उसके बाद का टूल्स देख लेते हैं, मैजिक टूल्स। ये भी सेम ही है, ये देखिए। इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। इसका जो है अमाउंट हम डाल देते हैं 40, थोड़ा सा बड़ा होएगा। ये देखो एक ही बार में हो गया। फिर वही इन्वर्स, इन्वर्स का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये सेलेक्ट हो गया। फिर इसको कंट्रोल जे मार के न्यू लेयर पे ले लिए, ये देखिए हो गया कट। तो आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा ये टूल्स कैसे काम करता है। तो अभी इसके बाद आ जाते हैं इसके दूसरे टूल पे, क्रॉप वगैरह देख लेते हैं। अभी कंट्रोल ओ,
एक इमेज ले लेते हैं, ये वाला। अभी क्रॉप टूल तो सबको पता ही है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि यहाँ से ऐसा हम करके करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगा। इंटर जेड मार दिए, वापस आ गया। इसके बाद देख लेते हैं प्रस्पेक्टिव क्रॉप टूल। ये क्या होता है कि ये उस जगह पे काम आता है, कभी कभी आप अपने मोबाइल से फोटो वगैरह खींचते रहेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो कभी भी देखना उसका जो पेज रहेगा फोटोशॉप में डाल के वो एकदम सीधा नहीं रहेगा, कुछ ऐसा टाइप का रहता है। कंट्रोल माइनस करके पेज छोटा करते हैं, ये ऐसा टाइप का रहता है, मतलब एकदम सीधा नहीं रहता। तो ये होता है वहाँ पे, एक काम आता है कि प्रोस्पेक्टिव को मैच कर सकते हैं। ये देखिए इंटर मारेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसे तो यहाँ पे इसका कुछ काम है नहीं, फिर भी आपको बता दिया कि कहाँ पे काम आता है। ये देखिए मैच हो जाएगा वो आपका। उसके बाद आता है ये स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्ट टूल, ये दोनों बता देता हूँ मैं आपको। बंद करिए, ओपन करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग टाइप का फोटो लेना पड़ेगा, जैसे कि ये है, ये हम लोग ले लिए। अगर ये जैसे हम लोग लेते हैं तो हम लोग को इतना बड़ा पेज दिखता है, अगर हम चाहते हैं कि एकदम फुल जूम हो जाए तो उसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल अल्ट और जीरो, ये फुल जूम हो जाता है। अभी इसको माइनस कर लेते थोड़ा सा। अब ये देख लेते हैं स्लाइस टूल होता क्या है। ये टूल सर, ये टूल दोनों सेम है, तो ये मैं आपको स्लाइस का एक बता देता हूँ कि ये पार्ट अगर जितना जो लिखा हुआ है ये मेरे को अलग चाहिए। ये चीज़ तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर से, पर यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम होता है, कुछ खास काम में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ऐसा करके हम लोग जो कट कर रहे हैं ना, ये पूरा नीचे तक कट हो रहा है, तो ऐसा कर लीजिए, ये हो गया। अभी इसका एक काम और होता है कि यहाँ पे आप गए और इसको लॉक कर सकते हो, क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हो, नहीं अगर इसको हमें सेव करना है अलग अलग तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, यहाँ से जाके हम इसको जेपीजी करेंगे, ये लो को हाई ही रखना है हमेशा, और इसको हम दे देंगे 72 और उसके बाद सेव करेंगे। ये पूछेगा, ये इसका नाम हो गया, और फॉर्मेट जो रहेगा HTML रहेगा और इमेजेस का रहेगा, इसके बाद सेव कर देना है, हो गया। अब चलो देखते हैं हुआ क्या है। ये देखिए उसने एक फोल्डर बना दिया और फोल्डर में जितने भी ने काटे थे ऊपर से नीचे, ये देखिए सब कट के आ गया है। तो कुछ ज़्यादा काम में नहीं होता, मैंने पहले बताया था, तो इसका ये काम होता है। तो ये इसको डिलीट कर देते फिलहाल के लिए, ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो टूल्स बचा है एक पिक टूल वगैरह मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।